बीच बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश की, इस वक्त की बड़ी खबर जहां पर अलीगढ़ शराब कांड में सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। आबकारी आयुक्त पी गुरुप्रसाद को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर, शराब कांड में 70 से ज्यादा लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है, उत्तर प्रदेश की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। और सहयोगी अजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस पूरे मामले पर। सहयोगी अजय, आयुक्त जो आबकारी आयुक्त है उनको हटाया गया है इस पूरे मामले पर, क्या जानकारी इसमें मिल पा रही है? देखिए, अलीगढ़ में जो शराब कांड हुआ है उसमें से 70 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, जिसको देखते हुए जब शुरुआत इसकी हुई थी, जब मौतें होने लगी थी, तभी योगी आदित्यनाथ ने सख्त कदम उठाने का जो है जो अंदेशा था वो जता दिया था कि वो सख्त कदम उठाएंगे। उसके बाद धड़ाधड़ कार्रवाई होती रही और कई जो है अधिकारी इसमें सस्पेंड किए जा चुके हैं। सुबह जो है आबकारी उपायुक्त थे उनको हटाया गया था, और अभी जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि जो आबकारी आयुक्त पी गुरुप्रसाद है उनको तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में इससे पहले भी कई बार अवैध शराब के चलते जो है लोगों की जानें जा चुकी हैं, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ लगातार ये बात कहते रहे हैं कि अवैध शराब उत्तर प्रदेश की धरती पे किसी भी तरह से बन नहीं पाएगी। लेकिन इस बार जो मामला है वो थोड़ा सा अलग है। आपको बता दें कि जो ये शराब लोगों ने पी थी, ये सरकारी ठेके पर से खरीदी गई थी, सरकारी मोहर लगी थी। तो बड़ा सवाल ये है कि सरकारी ठेके में कैसे मिलावट कर दी गई और मिलावट किस तरह से की गई है, आप खुद समझ सकते हैं कि लोगों की पहले आंखों की रोशनी गई, उसके बाद लोगों की जान गई है। और लगभग 70 से ज्यादा जो सरकारी आंकड़ा है वो लगभग 70 के आसपास का माना जा रहा है कि 84 से ज्यादा लोगों की इसमें मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि योगी सरकार इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है, और जो अधिकारी इसमें लिप्त हैं या जो अधिकारी जिनकी कमी कहीं ना कहीं से उजागर हो रही है, सब पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। और इस पूरे शराब कांड पर जो है जो मृतक है उनके परिजनों को योगी सरकार मुआवजा भी घोषित कर चुकी है। अजय, एक बड़ी बात यह है कि जब ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, पहले भी ऐसी कई घटनाएं हुए हैं जिसमें जहरीली शराब पीकर लोग मरे हैं, और ऐसे में जब ये घटनाएं हो जाती हैं तब इतनी सख्ती दिखती है, लेकिन पहले से अगर ये सख्ती दिखती तो फिर इस तरह की घटनाएं ना होती कम से कम। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। इससे पहले अगर बात करें तो हम बाराबंकी की बात कर लें या प्रयागराज की बात कर लें या बुलंदशहर की बात कर लें या हरदोई की बात कर लें, हर जगह अवैध शराब से मौतों का सिलसिला जो चला था उस पर सरकार ने एक्शन लेना शुरू किया था। लेकिन जब सरकार कार्रवाई करती है तो सिर्फ जो एरिया का जो थाना अध्यक्ष होता है वो या जो जिला आबकारी अधिकारी होता है वहां तक कार्रवाई की जाती है। लेकिन लगातार इस चीज पे मांग हो रही थी कि इस तरह की अवैध शराब की जो भट्टियां धधक रही हैं इनको रोका क्यों नहीं जा रहा है। अब बात यह है कि जब अवैध शराब पे कार्रवाई की गई तो जो सरकारी ठेका है वहां पर ये मिलावट सामने आई, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है वहां के लोकल प्रशासन पर, जो लोकल आबकारी विभाग जो वहां की जो शराब की सप्लाई है, जो सरकारी ठेकों पर जो इंस्पेक्शन होता है। और आबकारी मंत्री हमारे साथ जुड़ गए हैं राम नरेश जी। मंत्री जी, देखिए सीधा सा सवाल है कि ये जो घटनाएं जब हो जाती हैं तब हम जागरूक होते हैं, पहले से प्रशासन शासन क्या जागरूक नहीं हो पाता है, या फिर ये लापरवाही बढ़ती ही क्यों जाती है, लोगों की जिंदगी के साथ इस तरह से खिलवाड़? नहीं, पहले से भी पूरा सावधानी बरती गई, कार्रवाई हुई है सब पूरे प्रदेश के अंदर, लेकिन छोटे-छोटे लोग अपने घरों में इस तरह के चीजें बना रहे हैं वो कहीं पकड़ में नहीं आ पाए, उसके लिए जो दोषी अधिकारी उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई। क्लियर कहा जा सकता है ये लोकल इंटेलिजेंस जो आपके गुप्तचर लगे रहते हैं, जो पुलिस के गुप्तचर होते हैं, विभाग के गुप्तचर होते हैं, वो क्या सही ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं, उनकी हीला हवाली की वजह से ही ऐसी घटनाएं हो रही हैं? ये भी कह सकते हैं कहीं ना कहीं लापरवाही तो ही है जिसके कारण ऐसी घटना घटी, दुखद है। तो राम नरेश जी, हम जो पिछली बार भी घटनाएं हुई थी, हम बाराबंकी का जिक्र करें या फिर तमाम जिलों में ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं हाल फिलहाल के दिनों में, हमने क्या सीखा, और आज जब ये घटना घटी है 70 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, तो हम क्या सीख पा रहे हैं, आगे के लिए क्या रणनीति बनेगी इस पूरे मामले पर, जो कि आगे ऐसी घटनाएं नहीं होंगी? पूरी कोशिश होगी, पूरी सावधानी से पुलिस प्रशासन, आबकारी विभाग जी सब मिलके अभियान चलाएंगे जी, और माफियाओं के खिलाफ जो शराब माफिया है उन्हें किसी कीमत पर बख्शेंगे नहीं, उनको एनएसए में भी भेजेंगे, गंगेश्वर में भी भेजेंगे,
और इस माफिया राज को तबाह करने का काम पूरी तरह से हम करेंगे। मैं ये भी जानना चाहता हूं कि ये जो मुआवजा दिया जा रहा है, ये मुआवजा सरकार अपनी तरफ से ना देकर जो लापरवाही जिन लोगों ने बरती है, जिन लोगों को बर्खास्त किया जा रहा है या फिर जिन लोगों के ऊपर कार्रवाइयां की जा रही हैं, उनसे वसूली करके ये जो कंपनसेशन दिया जा रहा है इन परिवारों को जो पीड़ित हैं, वो दिया जाना चाहिए उन लोगों की सैलरी से काट कर या फिर उनसे पैसे लेकर? जो माफिया जिन्होंने किया है उनकी संपत्ति कुर्क की जा रही, वो नीलाम की जा रही, उससे भी पैसा आएगा जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर आबकारी मंत्री भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि उन लोगों पर कार्रवाई जरूर की जाएगी जो लोग इस पूरे मामले पर दोषी हैं। और प्राइम टीवी की तरफ से हम ये कहना चाहते हैं कि जो लोग भी इसमें दोषी हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और मुआवजा भी उन्हीं से वसूला जाना चाहिए, क्योंकि उनकी लापरवाही की वजह से ही आज 70 परिवार ऐसे हैं जहाँ पर मौत का मातम छाया हुआ है। अलीगढ़ शराब कांड में सरकार की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। आबकारी आयुक्त पी गुरु प्रसाद को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। इससे पहले भी कार्रवाइयां होती रही हैं। शराब कांड में अभी तक जो अपडेट है उसमें 70 लोग काल के गाल में समा चुके हैं और ऐसे में तमाम जिलों में हम देख रहे हैं अलीगढ़ शराब कांड के बाद में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। जो भी ठेके हैं शराब के, देसी शराब के ठेके हैं, उन पर छापेमारी की जा रही है। यहां पर एक छोटा सा ब्रेक फॉर नजर होता है।